अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा अपडेट, पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। टेम्पो में बैठकर अलवर लाई गई थी नाबालिग, पुलिस को मिला टेम्पो चालक, लेकिन टेम्पो चालक नहीं है आरोपी। पुलिस ने पुलिया तक पहुंचने का रूट क्लियर किया, पुलिया तक पहुंचने तक सेफ थी किशोरी। जो घटना घटी वो पुलिया पर घटी, पुलिस का पूरा फोकस पुलिया की घटना पर है। पश्चिमिया ने कल ही पुलिया तक सेफ पहुंचने की खबर दिखाई थी, पुलिया तक अकेली और सुरक्षित पहुंच चुकी है पीड़िता। अलवर पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है, कई एंगल से इस खबर को देख रही है। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से एक एक करके जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या घटना उस इशारा कर रही है कि फ्लाईओवर के ऊपर स्पीड का शिकार हो गई, तेज दुर्घटना हुई और उस वजह से बच्ची अस्पताल तक पहुंची, ये भी हो सकता है? देखिए महेंद्र, निश्चित तौर पर जिस तरह फर्स्ट इंडिया ने कल ही अपने दर्शकों को बताया कि बच्ची जो है किसी द्वारा लाई नहीं गई थी, पुलिया पर फेंकी नहीं गई थी, वो पुलिस की पूरी जांच में तय हो गया है। साफ तौर पर ये सामने आ गया है कि पुलिया पर जब बच्ची चढ़ती है तो पैदल होती है, हाथ में वो थैली या बैग होता है जो घर से लेकर निकली थी और उस समय तक सुरक्षित होती है। इस बीच वो एक टेम्पो में बैठती है, टेम्पो चालक ही पुलिस के पास आ गया है, पुलिस ने पूछताछ कर ली है, वो किस तरह का आरोपी नहीं बताया गया है। टेम्पो में सवारी करने के बाद बच्ची शहर में आई थी, उसके बाद शहर के कई इलाकों में वो घूमी है, अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रही है और सुरक्षित दिख रही है। लेकिन पुल पर चढ़ने के बाद, क्योंकि साफ तौर पर कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है, आसपास के मकानों को तलाशा गया है, पुलिस को उसमें भी कोई फुटेज नहीं मिला है, तो ये बड़ा सवाल बाकी रह गया है कि आखिर पुलिया के ऊपर क्या हुआ था। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई दुर्घटना हो गई या कोई व्यक्ति ऐसा था जो अचानक आया या पैदल जा रही बच्ची के साथ ऐसी घटना कारित की और फिर वहां से लापता हो गया, भाग गया या फरार हो गया। ऐसी इन सब मुद्दों को लेकर पुलिस जो है तथ्यात्मक पड़ताल कर रही है। 5 अलग अलग टीमें लगी हैं, एसआईटी की जो एसपी ने गठित की थी वो टीम पूरी लगी है और मॉनिटरिंग डीजी के स्तर पर मॉनिटरिंग पूरे मामले में हो रही है।